आप इंडियन एक्सप्रेस को तो जानते ही होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे फेमस न्यूज़पेपर कंपनी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस कंपनी को इतना मशहूर किसने किया? तो आइए जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 1904, रामनाथ गोयनका इनका जन्म हुआ था। बिहार दरभंगा गाँव के एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू किया हुआ सफर आज भारत के हर घर में उनका नाम गूंजता है। वाराणसी में अपनी प्राथमिक पढ़ाई करने के बाद रामनाथ गोयनका 15 साल की उम्र में चेन्नई चले गए। ये बहुत भाग्य का खेल था जिसने इन्हें समाचार पत्रों के कारोबार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1932 में वो एक अखबार की कंपनी संभाला करते थे और उनको उस कंपनी का पूरा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से एक दूसरी पत्रकार अखबार की कंपनी खोलने का मन बना लिया। और फिर 1936 में भारत के पहले राष्ट्रीय समाचार पत्र भारतीय एक्सप्रेस को कई स्थानों से प्रकाशित किया। रामनाथ गोयनका जैसे अखबार मालिक आज की दुनिया में नहीं दिखाई देते। प्रेस की आजादी के पैरोकार, बहुत बड़े देशभक्त, व्यवस्था विरोधी, जाने माने संपादक और यहाँ तक कि सरकार को भी अपनी उंगलियों पर नचाने वाले, जो अपने हक के लिए कुछ भी कर देते थे। इनके लाइफ के किस्से तो हर इंसान सुनना चाहता है, क्योंकि इन किस्सों की वजह से ही ये इतने लोकप्रिय हुए हैं। तो कुछ ऐसा हुआ था कि इंडियन एक्सप्रेस अपने अखबार के काम में बहुत ईमानदारी के साथ लगा हुआ था। तो 1975 में क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें चल रही थी, तो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के जरिए इस बात को सपोर्ट किया। लेकिन उस समय तो सिर्फ कांग्रेस की चलती थी, क्योंकि सारे लीडर उसी पार्टी से आते थे, तो इंदिरा गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। और फिर 1975 के दौरान नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई, जिससे बहुत से अखबार कंपनियों को नुकसान हुआ और बहुत ज्यादा पेनाल्टी लगाई गई। और उस समय 50 लाख से भी ज्यादा लोग इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते थे। और फिर इंदिरा गांधी और संजय गांधी से बहुत धमकी आती थी कि तुम अपनी अखबार कंपनी बंद कर दो या फिर बेच दो। लेकिन रामनाथ गोयनका जी डरे नहीं और उनका सामना करते रहे। और फिर कांग्रेस सरकार ने उन पर 4 करोड़ का टैक्स लगाया और पूरे बैंकों को बोला गया कि अब इंडियन एक्सप्रेस को कोई भी लोन नहीं देगा। बाद में एडवर्टाइज वालों से भी कहा कि कोई भी उनसे एडवर्टाइज नहीं छापेगा। ओ भाई, अगर इतनी समस्या होगी तो अखबार वालों के पास पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर परेशान करने के लिए बिजली भी बंद करवा दी गई और 2 दिन तक पूरी कंपनी बंद रखी गई। और तीसरे दिन इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक पेपर छाप दिया और लोगों को दिखाया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए हम यह ब्लैंक एडिटोरियल निकाल रहे हैं। और फिर जब इमरजेंसी को सरकार ने हटा दिया, उसके बाद तो गोयनका जी ने तो सारे कच्चे चिट्ठे सरकार के लोगों के सामने रख दिए और बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, लोगों के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ बिना डरे पेपर में छाप दिया। और पूरे लोगों ने इतना जबरदस्त सपोर्ट किया कि उसके चलते 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन में बहुत भारी मतों से हार गई। भारत के मीडिया दिग्गज और पक्के राष्ट्रवादी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। 2000 में इंडिया टुडे पत्रिका ने उन्हें भारत को बनाने वाले 100 लोगों की सूची में रखा। देश के सम्मान में लड़ने वाले इस महान पुरुष का निधन 5 अक्टूबर 1991 को हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।